My people, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे हेयर स्पा डिस्कस किए हैं दिखाए हैं रिजल्ट्स और आज जो हेयर स्पा मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ ये आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है आप देख सकते हैं मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ हेयर स्पा करके एंड आई एम ट्रूली एंड रियली हैप्पी अगर आप भी अपने बालों को इतना ही खूबसूरत करना चाहते हैं राइट एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम तो आज की वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा हेलो टू टू माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर वेलकम बैक द चैनल आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं अपना ख्याल रख रहे हैं और काफी पॉजिटिव हैं अगर चैनल पर पहली बार आना हो रहा है तो मेरा नाम है प्रेरणा इस चैनल का नाम है प्रीति प्रेरणा बेहतरीन डी आर वे हफ्ते में तीन दिन मैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ शेयर करने के लिए आती हूँ जिनका इस्तेमाल करके मेरा परिवार बहुत खुश है आप किसी भी वीडियो को उठाकर उसका कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं एंड डिसाइड फॉर योर किस मैजिक के लिए आप यहाँ पर रुकने वाले हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब करना डिसाइड कर लेते हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और आप हमारे परिवार का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाएंगे आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि किस प्रकार से घर के कम्फर्ट पर आप अपने फ्रिज को शांत कर सकते हैं आप अपने बालों को मैनेजेबल बना सकते हैं इतना खूबसूरत सा शाइन एंड लस्टर उनको दे सकते हैं इन शॉर्ट हेयर स्पा घर पर कर सकते हैं जी नहीं कोई क्रीम नहीं लानी कोई ताम झाम नहीं करना कोई अगड़म शगड़म चीजें नहीं हैं बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आप घर पर करेंगे सिर्फ तीन स्टेप्स हैं कोई मशीन नहीं चाहिए कोई स्पा करने के लिए यू नो हेड मसाजर वसाजर कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आप चाहिए आपके हाथ जगन्नाथ चाहिए एंड दैट्स इट आइए जानते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन पूरी तरह से देखिएगा क्योंकि जिन जिन लोगों के लिए मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगी अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे और फिर आप बोलेंगे कि अरे हमें तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिले सो so, प्लीज स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा हेयर स्पा की अगर बात की जाए तो कुछ सेक्शन ऑफ माई फैमिली ओवर हियर वो बोलेंगे कि भाई ये तो लग्जरी होता है देखिए अगर जूस आपके शरीर के लिए लग्जरी है तो हेयर स्पा भी है कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसे जूस आपके शरीर के जो सेल्स होते हैं उनको ग्रोथ में हेल्प करता है उसको जनरेट करने में हेल्प करता है रेजुवनेट करता है एग्जैक्टली exactly यही काम हेयर स्पा भी आपके बालों के लिए करता है हेयर स्पा आपके बालों में बहुत ज्यादा अगर फ्रिज है उसको कंट्रोल करता है मैनेजेबल बनाता है स्कैल्प को हेल्दी रखता है हेयर टेक्स्चर इंप्रूव करता है आपके बालों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने ही नहीं देता है अगर आपके बालों में क्रिम्प आ जाता है वेवी हो जाते हैं अननेसेसरीली बिलीव मी हेयर स्पा एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद आपके बालों में वो नई जान फूक सकता है जिसका आप हमेशा से इंतजार कर रहे थे अगर आप इन सभी प्रोसीजर्स को जो मैं बताने वाली हूं टाइमली करते हैं हर किसी की अवधि अलग अलग होती है ऐसा नहीं है कि मेरे बालों में महीने में एक बार चाहिए तो आपके बालों में भी महीने में एक बार चाहिए हो सकता है आपके बाल पंद्रह दिन में एक बार या फिर दो महीने में एक बार इसकी जरूरत हो तो प्लीज अपने बालों को अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे एक बार ये हेयर स्पा पूरी तरह से करेंगे जैसा मैं बता रही हूं उसके बाद जब आपको दोबारा से इसकी अहमियत महसूस हो क्योंकि आपको दिख जाएगा काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन है काफी ज्यादा चेंज आ चुका है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रिपीट कर सकते हैं मिनिमम टाइम पीरियड 15 डेज और मैक्सिमम जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं तो सबसे पहला स्टेप जिसको आपको अच्छे से कंसिडर करना है वो है क्लेंजिंग अब शैम्पू तो हम सब करते हैं जो बिल्कुल करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट क्लेंजिंग करनी है जैसे कि दादी नलाया करती थी ना गर्दन रगड़ रगड़ के बस वैसे क्लेंजिंग करनी है बालों की इसके लिए आपको एक बोल में चाहिए एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा है तो आप उसको लेकर आ सकते हैं अच्छे से पील करके छील के पूरा का पूरा जो उसका एलोवेरा जेल कंटेंट है उसको मिक्सी में घुमा लीजिए जेल रेडी हो जाएगा इससे एक बड़ा चम्मच आप यहां पर ले लीजिए इसमें आपको लेना है अपना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेंजिंग एलिमेंट जो कि है एक बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आप कोई भी एडेबल विनेगर ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर इज द वन दैट इज अवेलेबल तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि एलोवेरा जेल है और वो लिक्विड है तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी इनको अच्छे से एक सार बनाने के लिए पर अगर आप जम के मेहनत करेंगे तो वो एक सार हो जाएगा and that's your step number वन that's cleansing. Hair क्लेंजर के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप अपने पूरे के पूरे बालों को अच्छे से डैम्प कर लीजिए परफेक्टली डांप होने की जरूरत नहीं है आप चाहें तो टैप के नीचे अपने बालों को अपसाइड डाउन करके हल्का सा यू you नो know, सारे के सारे बालों को थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाए दैट्स ऑल अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप पूरे के पूरे स्कैल्प पर स्प्रे करते हुए लेंस पर लेकर आ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऑब्वियसली नहीं होगा पर हल्का हल्का डैम्प सारी की सारी लेंथ हो जाए इसके बाद जो क्लेंजर आपने प्रिपेयर किया है आप उसको लेंगे और रफली अपने वन साइड ऑफ द स्कैल्प अच्छे से करेंगे कंडीशन अप्लाई जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन कभी हुआ है या हो रखा है या होने की संभावना है यानी कि आपका जो स्कैल्प है काफ़ी एसिडिक रहता है काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ आपको रहता है तो आप स्कैल्प पर ये चीज़ नहीं करेंगे आप सिर्फ अपनी लेंथ पर करेंगे फाइन जिनके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई फंगल इन्फेक्शन ना हुआ है ना होने की संभावना है वो इससे अच्छे से अपने स्कैल्प को क्लीन कर सकते हैं एप्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम देखिए एप्पल साइडर विनेगर यहां पर आपके बालों को इतना स्ट्रिक्टली क्लीन कर रहा है दैट आई के नॉट पुट इट इन वर्ड्स इट्स एसिड एप्पल साइडर विनेगर आप किसी भी विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एडेबल ग्रेड का है जो खाद्य है मेरे पास ए uh, सी था तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ विच इज़ वेरी लाइट इम्पोर्टेंट और जैसा कि मैंने कहा खाद्य है तो इसको आप अच्छे से अपने बालों में यू you नो know, अच्छे से कर लीजिए ताकि स्कैल्प पर मौजूद कोई भी इन्फेक्शन कोई भी माइक्रोब कम्प्लीटली गॉन और ये सबसे आसान तरीका है इट्स लाइक अ केमिकल एक्सफोलिएशन फॉर द स्कैल्प और आपका स्कैल्प कम्पलीटली क्लीन हो जाता है पूरी लेंथ पर लगाइए जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट जितने भी प्रोडक्ट्स जिन्हें जिन्होंने भी डी मास्क के इनफैक्ट जो डिपोजिशन रह जाते हैं उनको भी क्लीन करने की क्षमता रखता है तो अच्छे से पूरे स्कैल्प पर लगाइए पूरी लेंस पर लगाइए और उसके बाद प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लीजिए जी हाँ आज मल्टीपल हेयर वॉशेज होने वाले हैं बट बिलीव मी इट इज़ वर्थ इट तो प्लीज़ घबराइएगा मत मैंने करके आपको प्रत्यक्ष दिखा दिया है कि गज़ब के रिजल्ट हैं तो बिल्कुल किसी भी प्रकार की चिंता को त्याग दीजिए और ध्यान से समझिए क्या करना है प्लेन वाटर से वॉश कर लेने के बाद अब आता है स्टेप नंबर टू जिसके लिए एक बहुत ही न्यूट्रिटिव मास्क आपको अपने बालों में लगाना है इसके लिए एक बोल में आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल अगेन अगर प्लांट बेस्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर मार्केट बॉट एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ दूसरी चीज आपको यहाँ पर लेनी है एक चम्मच ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल या फिर द बेस्ट ऑफ ऑल इज़ आर्गन ऑयल जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ आर्गन ऑयल के बारे में मैं किसी दिन इतमान से आपके साथ बात करूँगी कि वो कितना प्यारा ऑयल है इट इज़ ऑलमोस्ट सीरम मतलब ऑयल है ही नहीं oil की श्रेणी में आता है ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी ताकतवर है लेकिन ये एक सीरम है आपके बालों के लिए आपने जितने भी हेयर सीरम लगाए हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट होता है आर्गन जो कि आपके बालों को शाइन देता है लस्टर्ड देता है उसको वो न्यूट्रिशन देता है और चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं देता है और तीसरी चीज जो आपको इसमें लेनी है वो है दो कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास नॉर्मल विटामिन ई ऑयल है तो आप आधा चम्मच विटामिन ई ऑयल इसमें ले सकते हैं अगेन अच्छे से मिस्क कर लीजिए बिल्कुल एक सार हो जाना चाहिए काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में ये होगा क्योंकि एलोवेरा जेल ही है और ऑयल्स इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे ये आपका सेकेंड न्यूट्रिटिव मास्क बनकर रेडी हो चुका है मास्क के एप्लीकेशन के लिए अभी आपने रिसेंटली बाल धो रखे हैं बिल्कुल गीले हो रखे हैं इस मास्क को आप लेंगे और अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पर पूरी लेंस पर और बालों के कंप्लीट एंड्स पर भी लगाएंगे जी हां यह इतना न्यूट्रिटिव मास्क है कि आपके रूट्स पर भी काम करता है आपकी जो लेंस है इनको भी टेक्स्चर प्रोवाइड करता है और आपके एंड्स पर जाके उनको नरिश करता है कि भैया कमजोर नहीं होना टूटना नहीं है स्प्रिटेंस नहीं करना बिल्कुल ऐसे ही रहना है तो इस मास्क को अच्छे से अप्लाई करके क्योंकि बाल गीले हैं तो बहुत थोड़ा सा मास्क भी सारे के सारे बालों में इजीली स्मूथली इवनली फैल जाएगा आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप अपने बालों को बांधकर अच्छे से यू नो क्लचर लगा लीजिए और अगर आपके पास शार कैप है तो शार कैप पहन लीजिए अदरवाइज़ आपके पास जो पॉली बैग है उसी को पहन लीजिए ऐसा क्यों करना है देखिए हम कोई एक्सपेंसिव मशीन तो लगा नहीं रहे हम स्पा नहीं ले रहे हैं हम किसी भी तरह से यू नो स्टीम नहीं दे पा रहे हैं बालों को लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि जब आप शार कैप पहनेंगे ना तो वो स्टीमिंग अपने आप ही आपके बालों में हो जाएगी आपको कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं करना है ये प्रोसेस आप चाहें तो आप शार कैप लगाइए तो तभी कर सकते हैं जब घर पर ऑब्वियसली अदरवाइज आप शार कैप मत लगाइए अच्छे से निचोड़ के प्रॉपरली यू you नो know, इसको जस्ट बंधा रहने दीजिए और उसके बाद यू आर गुड टू गो जितना देर के लिए आप रख सकते हैं रखिए कोई परेशानी नहीं है कोई स्टिफनेस नहीं होगी कोई परेशानी नहीं होगी सॉफ्ट हो जाएंगे बाल काफ़ी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट तो ऑब्वियसली मिलेंगे क्योंकि रूट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है लेथस आर हैप्पी टिप्स आर हैप्पी मतलब एवरीथिंग फॉर दी हेयर तो इसको आप लगे रहने दीजिए जितना आपके पास वक्त है मान लीजिए दो घंटे या तीन घंटे मूवी देख ली या फिर काम कर लिया जितना वक्त आपके पास है बिल्कुल नहीं है तो मिनिमम इसको एक घंटे के लिए तो बालों में रहने दीजिए भाई इतना एक्सपेंसिव ऑयल है ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते एक घंटे के लिए बालों में रहने दीजिए ताकि बालों को वो न्यूट्रिशन मिलता रहे और कम समय के लिए कर रहे हैं तो शावर कैप मैंडेटरी है अगर लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो अच्छे से लगा के रखिए शावर कैप की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी डन इसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू करेंगे अब शैम्पू में यहाँ पर आपको कंडीशनज अप्लाई आ जाता है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पू लेते हैं तो फिर स्पा का फायदा क्या हुआ नहीं इट मेक सेंस तो आप कोशिश कीजिए कि हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें आप मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने हर्बल शैम्पू के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हैं नॉट एवरी वन इज गोइंग टू सूट यू पर आप ट्राई कर सकते हैं हिट इन ट्राई मेथड तो जो सूट करे वो आपका शैम्पू हो गया आगे से यूज़ कीजिएगा मैं यहाँ पर आंवला भृंगराज शैम्पू यूज़ कर रही हूँ आपके पास जो वेरियंट आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से शैम्पू कर लीजिए शैम्पू करने के बाद आपको समझ में आएगा वॉट मैजिक इज़ हैपनिंग इन योर हेयर क्योंकि टेक्स्चर समझ में आने लगेगा कि स्मूद हो रहा है बाल थोड़े से कंपेरेटिवली ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे एंड आपको वो जो डिज़ायर रिजल्ट आपने सोचे थे वो मिलने काफ़ी ज़्यादा यू you नो know, पॉसिबल लगने लगेंगे इसके बाद आपका लास्ट स्टेप है कंडीशनिंग जी नहीं मार्केट बेस्ड कंडीशनर यूज नहीं करना आपको लेना है एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल ऑल ओवर अगैन और इसमें आपको लेना है जितना आपने एलोवेरा जे, जेल लिया है उतना ही आप ले लीजिए मिल्क अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो बिलीव मी चार चांद लग जाएंगे बालों में लेकिन अगर कोकोनट मिल्क नहीं है तो इट्स ओके आप नॉर्मल मिल्क ले लीजिए जो भी आप लेकर आते हैं मदर डेयरी का जी हाँ ले सकते हैं गाय का ले सकते हैं जिसका भी आपके घर में आता है वो दूध आप यहाँ पर ले लीजिए कच्चा है या उबला हुआ है कोई परेशानी नहीं है अच्छे से विस्क करिए और आपका डी आर वाई कंडिशनर फॉर स्टेप नंबर थ्री रेडी हो चुका है अब ये भी बाल धुले हैं चाहे तो आप गीले बालों में लगा लीजिए या आप रुक भी सकते हैं कि भाई आज नहीं करना कल कर लेते हैं कंडीशनिंग दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल प्रोवाइडेड यू शुड भी फ्री इतना वक्त होता नहीं है तो आप एक स्ट्रेच में भी कर सकते हैं तो मेरे बाल तो कंप्लीटली धुले हुए थे इसके ऊपर ही मैंने ये कंडीशनिंग अपने बालों में अच्छे से करी अगेन द सेम प्रोसीजर पूरे के पूरे स्कैल पर पूरे की पूरी लेंथ पर और उसके बाद मैंने अच्छे से निचोड़ के शार्क ऐप लगा लिया एंड आई केप्टॉर अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फाइव मिनट्स जी हाँ फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद जब मैंने शैम्पू किया तो रिजल्ट आपके सामने है एंड यू कैन सी हाउ अमेजिंग माई हेयर लुक आई एम सुपर हैप्पी विद द रिजल्ट लेकिन यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि अगर आपने हिना एप्लीकेशन कर रखा है इंडिगो पाउडर का एप्लीकेशन कर रखा है या कोई कलर फॉर दैट मैटर लगा रखा है तो ये इतना सुपर क्लेंजर है ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कि आपको अपने बालों में से ना लिटरली कलर निकलता हुआ दिखेगा सो जस्ट डोंट वरी क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त क्लेंजर है कि आपके क्यूटिकल्स पूरे के पूरे क्लीन हो जाते हैं और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है और कंडीशनिंग के बाद जब आप बाल धोएंगे ना तो बिलीव मी बाथरूम से चिल्लाना नहीं कि ओ माई गॉड मैजिक हो गया बिकॉज बाल आर गोइंग टू तो बी रियली रियली शाइनी मतलब इतने सॉफ्ट आपके बाल हो जाएंगे कि आप बोलेंगे कि भाई मैजिक ही हो गया घर पर ऐसे रिजल्ट्स जो बिल्कुल घर पर ऐसे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं घर के इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं है बहुत आसानी से आप इसको अचीव कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा बहुत ही अमेजिंग क्लेंजर है जो आपके बालों को शाइन भी देता है तो इफ़ एट ऑल आपके ऑयली स्कैल्प है तो आप सिर्फ जो एसीवी वाला पहला स्टेप था सिर्फ उसको भी रिपीट कर सकते हैं तो भी आपके बालों में एक तो ऑयल रेगुलेट हो जाएगा और बालों में ऐसी शाइन आएगी कि आप बोलेंगे कि भाई वाह ये इंडिविजुअल स्टेप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके बालों में आपको चेंजेस दिखना निश्चित है अगर बुरे हैं बाल तो एवरेज तक खिंच जाएंगे एवरेज हैं तो एक्सीलेंट तक आ जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी ऑल्सो जिनके बहुत पुअर हैं वो भी एक्सीलेंट पर आ सकते हैं प्रोवाइडेड आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करें यहाँ पर रेगुलरली का मतलब रोज़ नहीं है वीकली नहीं है पंद्रह दिन में एक बार या महीने में एक बार तीनों स्टेप्स कर लेते हैं तो क्या हमारे बालों में आपके बालों जैसी शाइन आएगी देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि किसी का किसी से नहीं आपका सिर्फ खुद से कॉम्पिटिशन है जी हाँ तो आपके बालों में अभी के मुकाबले बेहतरीन शाइन आ जाएगी मुझसे ज्यादा भी आ सकती है मुझसे कम भी आ सकती है सो देर इज नो कंपेरिजन राइट अवे इसीलिए जब आप इसको करते रहते हैं तो आपके बालों में क्लेंजिंग हो रही है न्यूट्रिशन दिया जा रहा है कंडीशनिंग हो रही है आपके बालों का इम्प्रोवाइजेशन निश्चित है बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आप खुश हो जाएंगे आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे ये छोटी छोटी चीज़ें जो घर पर ही मौजूद हैं इनका इस्तेमाल हम अपने बालों के ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रस्तुति पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूल सकते इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ मैं ऐसे ही अमेजिंग चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए खुश रहिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए आई लव यू ऑल टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ